ठीक है। हाँ तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम सौरभ जी के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हमारा लास्ट क्लासेस में हमने कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में जाना था, आज हम आपके साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम ये कर रहे हैं कि किसी कंडीशन के बिहाफ पे ये करना फॉर्मेटिंग, इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे कि आप लोग हाईलाइट करते हैं ना, आपकी आवाज इंटर हो रही है सर, क्या आपकी आवाज नहीं आ रही है सर क्लियर? मतलब बीच में ब्रेक हो रही है या कुछ और? आप ठीक आइए, पहले बीच में ब्रेक हो रही थी। अब ठीक है ना सर जी? अब बेटर। तो हम बात कर रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में किसी पर्टिकुलर कंडीशंस के बिहाफ पे कलर करना। जैसे कि आप हाईलाइट करते हैं, तो हाईलाइट क्यों करते हैं? आप चाहते हैं कि उस पर्सन को जो इसको अभी बोर्ड भेज रहे हो, जो आपको दिखाना है वो सबसे पहले देखे। जैसे बुक में हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं हिडन होते हैं, वो बोल्ड होते हैं, इसलिए बोल्ड होते हैं, इम्पोर्टेंट होता है। क्या सर जी? तो चलिए हम इसी को करते हैं हाईलाइट। अब जैसे कि आपके मेरे पास डेट है, मैं चाहता हूँ इसमें जितने भी 50 से ऊपर है वो कलर हो। नॉर्मल फॉर्मेटिंग हम करेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं सेल में क्या लिखा। देखिए नॉर्मल फॉर्मेटिंग में कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाहिए तो यहाँ आप आइए, कंडीशनल पहले सिलेक्ट कर लीजिए इस कॉलम को करना है। फिर यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारा कई सारे कैटेगरीज है, जैसे सबसे पहला कैटेगरीज है हाईलाइट सेल्स रूल्स। इस हाईलाइट रूल्स पे हमारे हमारा ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन इक्वल टू वगैरह वगैरह, सबसे पहले हम ग्रेटर देन को समझते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक नंबर आ जाता है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से नंबर दे सकते हो ग्रेटर देन 50। यहाँ पे एक डिफॉल्ट कलर हो गया, तो यहाँ से आप कलर की चॉइसेस है कि आप प्री डिफाइंड फॉर्मेट को लेना चाहते हो जैसे येलो ग्रीन वगैरह है, या खुद के फॉर्मेट के लिए आप फॉर्मेट पे चले जाएंगे, फिर आपको फॉर्मेट सेल खुल के दे देगा। अब इसमें आप अपना जो खुद की फॉर्मेटिंग है वो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है सर जी। तो उसके हिसाब से फॉर्मेट और क्या क्या है देखिए, तो ग्रेटर देन किसी नंबर से बड़ा, लेस देन किसी नंबर से छोटा, बिटवीन दो नंबर के बीच की। तो इसमें आप नंबर डाल सकते हैं और डेट डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डेट बना देता हूँ, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है आपको सर? अब आइए सर, बीच में मिस हो गई थी। पता नहीं क्यों बोली, मेरे आंसर सही है तो अभी ठीक आ रही है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे हमारे पास हाईलाइट में हम बात कर रहे हैं डेट की, तो किसी पर्टिकुलर डेट से बड़ा आपको हाईलाइट करना है तो यहाँ दे सकते हैं। मुझे मान लीजिए मुझे हाईलाइट करना है 15 जनवरी से, तो 15 जनवरी लिखूंगा और हाईलाइट हो जाएगा। मुझे हाईलाइट करना है मान लीजिए 20 जनवरी से, इस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं, ईयर भी देना चाहे तो दे सकते हैं आप। और समझ में आया सर जी?
तो इस तरह से डेट भी आप डाल सकते हैं। डेट का मतलब फॉर्मेट चेंज, अब डेट का मतलब जो है DDMYY हो गया है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू इट मींस एग्जैक्ट चल रहा है, मतलब कि मैं इसमें से जनवरी में से एग्जैक्ट किसी नंबर को हाईलाइट करना चाहता हूं, तो यहां पे आप एग्जैक्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, एग्जैक्ट 21 को हाईलाइट करना है 21 को हाईलाइट। अभी तो ऊपर आपने हमने तीन चीजें देखा, इसमें हमने आपको बताया ग्रेटर देन लेस देन मीन नंबर टाइप डाल सकते हैं, इसमें कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट आप नहीं डाल सकते, लेकिन यहाँ इक्वल टू में आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप चाहो तो अपना टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पूजा लिख देता हूँ, तो मेरा पूजा हाईलाइट हो, तो यहाँ पे इक्वल टू पे हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं पूजा, हाईलाइट हो गया। लेकिन आप करना चाहते हैं वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है सर जी, तो यहाँ पे हम हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मान लीजिए कि सिटी में दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, नाम में मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे सुजीत है और नीचे किसी ने सुजीत कुमार लिख दिया। अब इक्वल टू में अगर मैं सुजीत कुमार करता हूं तो सुजीत हाईलाइट नहीं होगा सर जी, तो यहां पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन का यूज करें। इसमें क्या है कि इसमें एस यू जे एम ई टी डाल दिया, तो सुजीत और सुजीत कंट्रोल एस की तरह काम करता है कि सुजीत भी होगा और आपका ए भी होगा, सुजीत कुमार होगा, दोनों का हाईलाइट करेगा, बस जो वर्ड आप लिख रहे हो किसी वर्ड के साथ में होना चाहिए। ठीक है जी, ये आपको हाईलाइट कर देगा। तो टेक्स्ट दैट कंटेन किस चीज के लिए होता है, उसके अलावा यहां पे आती है बात डेट ऑफ की। जैसे मान लीजिए डेट है, तो मैं एग्जैक्ट इक्वल मैंने कि कोई एक डेट हाईलाइट कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन वो डेट हमारा फिक्स होगा, मैं चाहता हूं कि मेरा करेंट सिस्टम डेट हाईलाइट हो, या मैं दिस वीक हाईलाइटेड हो, नेक्स्ट वीक हाईलाइटेड हो, और ये सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, टेक्स्ट दैट कंटेन डुप्लीकेट, यहाँ पे डेट ऑग्रिक, टेक्स्ट कंटेन के नीचे आता है डेट ऑग्रिक, उसके अकॉर्डिंग इसमें आपके पास चॉइसेस होते हैं, टुडे द लास्ट 7 डेज, नेक्स्ट डे वगैरह वगैरह। ठीक है सर, तो यहाँ पे टुडे करेंगे तो कल सिस्टम डेट, टुमोरो करेंगे तो आपका अगला डेट आ जाएगा।
अब इसके बाद आता है डुप्लीकेट वैल्यू, जो वैल्यू मोर देन वन टाइम रिपीटेड है उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यू से, ठीक है सर जी। इसमें सर एक क्वेश्चन है, अगर सर वैल्यू डुप्लीकेट है तो ओरिजिनल वैल्यू डुप्लीकेट वैल्यू दोनों हाईलाइट होंगे ना? हाँ दोनों है। मैं चाहता हूँ कि ओरिजिनल को हाईलाइट ना हो, पहला वैल्यू हाईलाइट करना चाहते हैं दूसरा नहीं, उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ डुप्लीकेट हाईलाइट करके उसको डिलीट करना चाहता हूँ ताकि एक ओरिजिनल वाला एक बना रहे। हाँ तो उसके लिए आप रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन भी ले सकते हैं। अच्छा तो आप बताइएगा सर, एक कॉलम के लिए होता है पूरा सीरीज के लिए नहीं होता है। यहाँ डेटा मेनू बार में इसके बारे में आगे हम बताएंगे, बैक टू हम। तो आपको हाईलाइट सेल्स रूल में समझ में आ गया, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, आपका टेक्स्ट दैट कंटेन, डेट ऑपरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? जी नहीं सर, ठीक है। उसके बाद यहां पे आता है टॉप वन। अब मुझे इसमें से मान लीजिए कि टॉप फाइव को हाईलाइट करना है, तो यहां टॉप टेन आइटम में जाऊंगा, टेन है इसको मैं फाइव कर देता हूं, तो मेरा सबसे जो हाईएस्ट फाइव नंबर्स है वो हाईलाइट, ठीक है। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। अब इसमें क्या ऑप्शन आता है, इसमें मतलब खांसी हो रही है सर, तो इसके बाद यहाँ पे आता है हमारा अगला ऑप्शन बॉटम टेन आइटम्स के बारे में, जो बॉटम्स के हैं सबसे छोटे हैं वो हाईलाइट कर, उसके बाद इसमें अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे टॉप 10% एंड बॉटम 10% आपको दिख रहा है, तो इसमें जो आपका बॉटम 10% टॉप 10% परसेंटाइल फॉर्मूले पे डिपेंडेड है, जब आपको परसेंटाइल फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में हम आपको पढ़ा देंगे। अब बात करते हैं अबव एवरेज की, जो हमारा सिलेक्टेड एक डेटा है उसका एक एवरेज है 47.8 और ये घटता बढ़ता है अकॉर्डिंग टू डेटा, अगर डेटा बड़ा घटा ये भी अपने आप को बढ़ा घटा लेता है, तो मैं चाहता हूं कि इसकी जो एवरेज से ऊपर वो हाईलाइट हो जाए, तो यहां अबव एवरेज का इस्तेमाल, यहां अबव एवरेज तो 47.8 से ये बड़ा वो हाईलाइट कर देगा, अगर डेटा चेंज होगा तो ये एवरेज भी अपने आप को चेंज कर देगा।
ऑटोमेटिक पूरा होता है। ऐसे इसमें हमारा बिलो एवरेज होता है, जो उससे छोटा होता है उसको हाईलाइट कर देता है। अगला क्राइटेरिया हमारा आता है डेटा बार का, एक बार क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए कि हमें पता करना हो कि 48 इतने कॉलम में क्या स्टेटस रखता है, तो अब प्रॉब्लम है कि अब मैं 48 को ये नहीं कर सकता ना, इसके लिए पूरे पे चार्ट तो ही बना सकता। तो उसी तरह का बार चार्ट की सिमिलरिटी जैसा आप यहाँ पे एक बना देंगे जो बताएगा कि 48 जो है ये मिडिल स्थान है इसका, 89-88 हायर पे चलता है और आप यहाँ पे 21-30 ये सब लोअर पे है। इजिली अंडरस्टैंड हो रहा है ना। तो डेटा बार का इस्तेमाल हम करते हैं। डेटा बार यहाँ डिफरेंट डिफरेंट डेटा बार डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए है, बाकी सब कुछ सेम होता है। अब जैसे डेटा बार जो है अपना बार के अकॉर्डिंग इंडिकेशन देता है, उसी तरह से हमारे पास कलर स्केल्स होता है। कलर स्केल क्या करता है कि स्केल्स हो करता है, जो मतलब कि आपका ग्रीन रेड टू ग्रीन होता है, तो रेड येलो ग्रीन हो गया, रेड हो गया सबसे लोअर, येलो हो गया मिडल और ग्रीन हो गया आपका अप। जो ज्यादा जितना ग्रीन के तरफ है वो आपका सबसे बड़ा है, जो ज्यादा रेड है वो छोटा है। इसका यूज तो हम कभी करते लिखा, इसका इस्तेमाल भी होता है, लेकिन आपको क्लियर समझाना है तो आइकन सेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मिडल लोअर एंड अपर सिंपल सा इसने बता दिया। इसमें और भी ऐसे चार करना चाहते हैं कि आपका लोअर मिडल अपर मिडल लोअर मिडल अपर ये आपको शो कर देता है, ये आपका पांचवा होता है। तो आइकन सेट का इस्तेमाल आप कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल सिग्नल की तरह इस्तेमाल करना चाहो तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, या फिर ये चांद की तरह, या ये आपका इसका इस्तेमाल करना चाहते हो इसका भी यूज कर सकते हो, या फ्लैग देना चाहते हो तो फ्लैग भी दे सकते हो। तो अलग अलग आइकन्स है जो कि आपके नंबर्स को तीन कैटेगरी या पांच कैटेगरी या चार कैटेगरी में बांटता है, तो उसके हिसाब से वो हाईलाइट करता है। सौरभ जी 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 क्लियर। अब इसमें आपको हर चीज में मोर रूल्स दिख रहा है, यहां भी मोर रूल्स दिख रहा है। तो इसमें जो चीजें बाहर आप देखे अभी सिखाया मैंने, वो चीजें वो है जो मोस्ट यूजेज है। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि इसी में देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, नॉट बिटवीन नहीं है, नॉट इक्वल टू नहीं है, टेक्स्ट दैट कंटेन में बिगिनिंग स्टार्ट विद नहीं है। तो ये बहुत सारे ऑप्शन जो कि आपके मोर रूल्स पे जाके मिलेंगे या फिर न्यू रूल्स पे, ठीक है सर। एक बार सर ये मोर रूल वाला एक्सप्लेन करें।